कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। पाठ का शीर्षक है मन का रोगी। उल्लेखक हैं राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ। बच्चों, यह पाठ एक नाटक रूप में है। लेखक ने यहाँ एक नाटक द्वारा यह दर्शाने की कोशिश की है कि बच्चों को तकलीफों के किस तरह दूर किया जा सकता है, किस तरह मन के रोगी सलील को उसकी तकलीफों से छुटकारा दिलाया गया, इस तरह उसके शिक्षक ने उसकी तकलीफ को समझा और उसे दूर किया। सलील यह मन से धीरे धीरे रोगी होता जा रहा था। वह बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन उसके बात को सुनने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण वह अभ्यास में दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा था और एक समय आया वह ऐसा कमज़ोर हो गया कि वह हर विषय में एक नंबर दो नंबर ऐसा लाने लगा, अर्थात बुरी तरह फेल होने लगा। ऐसे समय में उसके माता पिता ने उसे समझाने के बदले डांटना फटकारना शुरू कर दिया, जिसके कारण इसका विपरीत असर सलील पर पड़ने लगा और वह और ही घुट घुट कर रहने लगा। तब उसके कक्षा अध्यापक रामनाथ जी ने उसकी तकलीफ को जाना और उसके माता पिता को एक पत्र द्वारा ये बात समझाई। साथ ही सलील के अनुशिक्षक ने भी सलील के माता पिता को समझाया कि सलील को डांटिए फटकारिए मत, बल्कि उसके तकलीफ़ों को समझिए, उसको जानिए कि वह पढ़ाई में कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। तब उसके माता पिता ने भी इस तरफ ध्यान दिया और अब हम देखते हैं कि सलील में इन सब के प्रयास से क्या बदलाव आ रहा है। चलिए, नाटक के दो दृश्य तो हमने देख लिए हैं, चलिए अब तीसरा दृश्य देखते हैं। तीसरा दृश्य, सलील बैठक में बैठा हुआ अपने काम में तल्लीन है। राकेश का प्रवेश। राकेश, नमस्ते भाई सलील। सलील, नमस्ते राकेश भाई, कहिए क्या हाल है। भाई, मैं तो गृह कार्य में लगा हूँ और अभी मास्टर जी आने वाले हैं। सलील से मिलने राकेश आता है और देखता है कि सलील अपने काम में ही मगन है। सलील उस समय गृह कार्य कर रहा था क्योंकि उसके शिक्षक अभी आने ही वाले थे उसे पढ़ाने। राकेश खुश हो जाता है और कहता है, तू 2 महीने से कमाल कर रहा है, मास्टर जी ने क्या जादू कर दिया है, अब तो तू सभी विषयों में होशियार होता जा रहा है। कल नाटक देखने चलेगा ना। सलील, जरूर चलूँगा। यहाँ पर राकेश उसकी तारीफ करता है कि 2 महीनों में तुम कितने तेज होते चले जा रहे हो पढ़ाई में। पहले तुम जिस बात को समझ ही नहीं पाते थे, आज सभी प्रश्नों के उत्तर तुम अच्छे से हल कर ले रहे हो। वह ये भी पूछता है कि कल जो नाटक होने वाला है, क्या तुम वह देखने चलोगे। सलील की बहुत इच्छा है, वह कहता है, जरूर चलूँगा। राकेश, अब तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं रोकते। पहले तो न किसी के साथ खेलने की आज्ञा देते थे और न सैर करने की, न पिकनिक की, न सिनेमा जाने की। सलील के पिताजी पहले सलील को हर बात पर रोक टोक लगाते थे, लेकिन अब वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने लगे हैं। सलील भी कहता है, अब तो पिताजी रोज़ मुझको कहानी सुनाते हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं, हमारे विद्यालय में भी आते हैं और मैं भी उनको सारी बात बताता हूँ। बच्चों के अगर मन की बात जाननी है तो उनको हर किस्म का साथ देना होगा, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा, उनके खुलकर बातें करनी पड़ेगी, तभी हम बच्चों के दिलों को छू सकते हैं। और वही बात सलील के साथ भी हो रही है। तभी राकेश जाता है और सलील के मास्टर जी प्रवेश करते हैं। सलील, नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक जवाब देते हैं, नमस्ते, कहो क्या कर रहे हो। सलील, आपका दिया हुआ काम। अध्यापक पूछ रहे हैं, कर लिया। सलील जवाब देता है, जी हाँ, सभी विषयों के काम पूर्ण कर लिए। अध्यापक बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, शाबाश, अब तुम बहुत अच्छे लड़के हो गए हो, तुम्हारे माता पिता और विद्यालय के अध्यापक सभी तुम्हारे काम से प्रसन्न हैं। बच्चों, हर माँ बाप और शिक्षक यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनके वे ऊँचा से ऊँचा मुकाम हासिल करें, और जब बच्चे प्रगति करते हैं तो इन लोग को खुशी का कोई आरा पार ही नहीं रहता है, वे अपने बच्चों को हमेशा प्रगति पे
ही लाना चाहते हैं और वही प्रयास करते रहते हैं। सलील, मास्टर जी। अध्यापक, हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? सलील उनसे कहता है, कल राकेश के विद्यालय में नाटक है, मैं देखना चाहता हूँ। अध्यापक समझ जाते हैं कि उन्हें उसे अनुमति की आवश्यकता है। अध्यापक कहते हैं, जरूर जाना, मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवा दूंगा। तभी रामकिशोर जी आते हैं। रामकिशोर जी मास्टर जी से कहते हैं, नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक, नमस्ते, नमस्कार नमस्कार रामकिशोर जी। रामकिशोर कहते हैं, मैं सलील के विद्यालय से आ रहा हूँ। सभी अध्यापक इसके कार्य से प्रसन्न हैं। यह विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है। यह सब आपके परिश्रम का फल है मास्टर जी। रामकिशोर जी अब सलील के विद्यालय नियमित रूप से जाने लगे हैं और जब वे वहाँ सुनते हैं कि सलील वाद विवाद प्रतियोगिता में फर्स्ट आया है तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उन्हें यह विश्वास रहता है कि ये सारी मेहनत उसके अनुशिक्षक और शिक्षक ने ही की है और वे इस बात की शिक्षक को बधाई भी देते हैं। रामेश्वरी जी भी आती हैं और कहती हैं, यह सब तो ठीक है मास्टर जी, पर रास्ता तो आपने ही हम सबको दिखाया है। अध्यापक कहते हैं, आप तो मुझको शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा बेटा सलील, अब तुम जाओ, तुम्हारे नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा। सलील का प्रसन्न मुद्रा में प्रस्थान। रामेश्वरी जी जब शिक्षक की तारीफ करती हैं तो वे जरा झेप जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, यह तो मेरा फर्ज ही है। और वे सलील को कहते हैं कि अब तुम जाओ और उसकी कहते हैं, जो तुम्हारी नाटक वाली बात है, अनुमति लेना है वह मैं तुम्हारे पिताजी से ले लूँगा। रामकिशोर जी पूछते हैं, क्या बात है? तब अध्यापक उन्हें समझाते हुए कहते हैं, कल राकेश के विद्यालय में नाटक हो रहा है, कृपया अब सलील को भी नाटक देखने जाने दे। रामेश्वरी जवाब देती है, मैं भी तो जाऊंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। रामकिशोर, चलो यह और भी ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखिए बदलाव सब में आ रहा है। रामकिशोरी जी पहले कभी भी वो विद्यालय गई ही नहीं थी, अब वे सलील को लेकर नाटक देखने भी जा रही हैं। अध्यापक कहते हैं, रामकिशोर जी हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा और शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनानी होगी। ऐसा करने पर ही देश में हम स्वस्थ नागरिक पैदा कर सकेंगे। रामकिशोर, अब तो मैं उसे छुट्टी में रोज सैर पर भी ले जाता हूँ, मुझसे वह कई प्रकार की बात पूछता है। अध्यापक, सही है, हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। विश्वास जीतने के लिए हमें उनका मित्र बनना होगा। हमें उनमें अपने रूखेपन से भय नहीं पैदा करना चाहिए। रामेश्वरी कहती है, यह बात सही है मास्टर साहब। रामकिशोर कहते हैं, अब तो सलील स्कूल का काम अपने आप ही कर लेता है। अध्यापक, आपको गृह कार्य के लिए उचित वातावरण बना देना चाहिए, फिर बच्चा स्वयं काम करने लगता है। बच्चों पुरानी परंपराएं जो थी कि बिना मारे बच्चों को आ ही नहीं सकता, यह जो लोगों की सोच थी वह आज बदलनी होगी। आज हमें बाल मनोविज्ञान के हिसाब से बच्चों को देखना होगा। तब के और आज के समाज में बहुत अंतर आया है, तो क्या बच्चों के मन में नहीं आया होगा? क्या दंड देने से ही कोई सुधर सकता है? ऐसा नहीं है, प्यार से हम सबको सुधार सकते हैं। अगर हमें स्वस्थ नागरिक बनाना है तो बच्चों की तकलीफों को समझनी होगी और यह बात अध्यापक समझ गए हैं और यही बात वे सलील के माता पिता को भी समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बच्चों के साथ उनका मित्र बन के रहना होगा, तभी वे अपने दिल की सारी बात हमको बताएंगे। और रामकिशोर जी भी इस बात को मानते हैं कि अब पहले सलील गृहकार या स्कूल का कार्य बराबर नहीं करता था, अब वह अपने से ही करने लगा है। अब अनुमति दीजिए, दोनों नमस्कार करते हैं। इसके बाद चौथा दृश्य, स्थान वही बैठक का कमरा, शाम का समय, मास्टर जी सलील से श्रुत लेखन करवा रहे हैं। बच्चों श्रुत लेखन का अर्थ होता है सुनकर लिखना, तो सलील वही कार्य कर रहा है ताकि उसकी जो लेखन की अशुद्धियाँ हो वो दूर हो जाएं। रामकिशोर जी आते हैं और कहते हैं, मास्टर साहब बधाई हो, सलील अब की छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है। यह देखिए अंकों की सूची। अध्यापक सूची को ध्यान से देखते हैं। तभी रामेश्वरी जी आती हैं और कहती हैं, क्या बात है, किस बात की खुशी है, मुझे भी मालूम हो। रामकिशोर जी जवाब देते हैं, सलील
छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है, मिठाई खिलाओ। रामेश्वरी जी भी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, अवश्य खिलाऊंगी, एक दिन उन मास्टर साहब को भी घर बुलाइए ना। रामकिशोर जी कहते हैं, कौन से मास्टर जी? बच्चों, यहाँ पर जब अपना बच्चा किसी चीज़ में सफल होता है तो उससे ज़्यादा खुशी की बात माता पिता के लिए और शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं होती, और ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। सलील अपनी कक्षा में प्रथम आया है, जिससे कि उसके माता पिता और शिक्षक बहुत खुश हो रहे हैं, और उसके माता पिता तो मिठाई खिलाने की भी तैयारी कर रहे हैं। रामकिशोर, कौन से मास्टर जी? अध्यापक कहते हैं, इनका मतलब रामनाथ जी से है, वही जिन्होंने सलील के विषय में पत्र लिखा था। रामकिशोर कहते हैं, ओह, सलील के कक्षा अध्यापक, ठीक है, इसी रविवार को एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, रामनाथ जी से निवेदन करूंगा, और हाँ मास्टर जी, आप आना न भूलना। रामेश्वरी कहती हैं, हम आपका उपकार नहीं भूल सकते, आपने ही मन के रोगी सलील को स्वस्थ किया है। अध्यापक कहते हैं, इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो हम अध्यापकों का कर्तव्य है। बच्चों, सलील के माता पिता सलील की सफलता की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं, और इस पार्टी में जो मुख्य सदस्य होंगे वे उसके दोनों शिक्षक होंगे, क्योंकि उन शिक्षकों ने ही उसके जीवन की जो तकलीफों पर प्रकाश डाला था, जिससे कि आज सलील सफल हो पाया है, और उसकी माँ इस बात के लिए अध्यापक को बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रही हैं। रामकिशोर कहते हैं, क्या पते की बात कही है मास्टर जी, पर सभी अध्यापक आप और रामनाथ जी जैसे नहीं बन सकते। अध्यापक कहते हैं, बनना पड़ेगा, और यदि नहीं बने तो बच्चों का विकास कैसे होगा। रामेश्वरी कहती हैं, अब मैं समझ पाई हूँ कि एक माँ को पुत्र को अच्छा आदमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। रामकिशोर जी कहते हैं, धीरे धीरे सब ठीक होगा, जब चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार नष्ट हो जाएगा। अध्यापक कहते हैं, अच्छा अब चलूँ, नमस्कार। दोनों नमस्कार करते हैं। बच्चों, यहाँ पर सलील के माता पिता और शिक्षक, ये तीनों ने अनुभव किया है कि अगर किसी बच्चे का विकास करना है तो उसके तकलीफ़ों को समझ के उसकी कठिनाइयों को दूर करना होगा, जिससे बच्चे का विकास हो सकेगा। रामकिशोर जी भी कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा के क्षेत्र में चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे शिक्षक हैं जो बच्चों की तकलीफ़ों से समरस हो जाते हैं और उसे दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं, तब अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। अध्यापक कहते हैं, अच्छा अब चलूँ, और वे नमस्कार करते हैं, और यहीं पर यह नाटक समाप्त होता है। इस नाटक द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चों के दिल को छूना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा अगर पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है या वह लगातार कमज़ोर होता जा रहा है पढ़ाई में, तो इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं अड़चन है, और उसकी अड़चन को समझकर उसको दूर करना ही हम सबका कर्तव्य है। चलिए अब हम कठिन शब्द की तरफ ध्यान देते हैं। शब्द वाटिका, कमाल चमत्कार पूर्ण कार्य, होशियार समझदार, अनुमति स्वीकृति, तन शरीर, उन्नति प्रगति, मुश्किल कठिनाई, विश्वास भरोसा, मित्र दोस्त, निवेदन विनती, अज्ञान कृति करो। मास्टर जी द्वारा माता पिता को दिए गए सुझाव, बच्चों को धमकाना नहीं चाहिए, इससे उनका मनोबल गिरता है। बच्चों के विद्यालय जाना चाहिए तथा मास्टर साहब की सहायता करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर सहायता करने का अर्थ यह है कि अपने बच्चे में जो कठिनाई आ रही है उसको बच्चे के कक्षा अध्यापक से बात करके हल करने का प्रयास करना चाहिए। सलील के मास्टर जी का नाम श्री रामनाथ, श्री चंद्रशेखर। सलील के पिताजी में आया बदलाव,
पिताजी अब रोज कहानी सुनाते हैं। सलील के विद्यालय भी जाते हैं। सलील में आया बदलाव। बच्चों, सबके ध्यान देने पर सलील में जो बदलाव आया वो हम देखेंगे। सलील के कार्य से सभी अध्यापक प्रसन्न थे। वह विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया। रिश्ते लिखो। सलील, रामेश्वरी, इन दोनों में क्या रिश्ता है हम जानेंगे। पुत्र और माता, रामेश्वरी, रामकिशोर, इनमें पति पत्नी का रिश्ता है। रामनाथ, सलील, ये दोनों अध्यापक और विद्यार्थी हैं। रामकिशोर, सलील, पिता, पुत्र। बच्चों, इस नाटक के आधार पर हमने रिश्तों की पहचान की। मास्टर जी, अब हमें किन्हीं लोगों के चरित्र के ऊपर इस पाठ के आधार पर टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले हैं मास्टर जी, यानी सलील के शिक्षक। सलील के दो अध्यापकों का वर्णन प्रस्तुत एकांकी में किया गया है। एक हैं सलील के कक्षा अध्यापक श्री रामनाथ जी तथा दूसरे हैं उसके अनुशिक्षक श्री चंद्रशेखर जी। रामनाथ जी ने जहां सलील के विषय में सावधान किया है, वहीं उसके अनुशिक्षक ने, अनुशिक्षक जो हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने सलील के साथ साथ उसके माता पिता का भी मार्गदर्शन किया। इन दोनों अध्यापकों के मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप ही सलील का भविष्य संवार गया। बच्चों, इन दोनों अध्यापकों ने जिस तरह मन लगाकर सलील के कठिनाई को समझा, उसी के कारण सलील का भविष्य सुधर पाया। पिताजी, अब सलील के पिताजी के बारे में देखेंगे। सलील के पिताजी का नाम रामकिशोर था। वे अपने इकलौते बेटे के भविष्य को लेकर बड़े चिंतित थे। सलील के कक्षा अध्यापक तथा उसके अनुशिक्षक के, बच्चों एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।